रिलीज से पहले ही तोड़ दिया है रजनीकांत की 2.0 ने बाहुबली 2 का ये रिकॉर्ड। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 को रिलीज होने में एक हफ्ता बाकी है, इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है। मेगा बजट फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्रभास की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्क्रीन ऑक्यूपेंसी के मामले में रजनीकांत की ये फिल्म बाहुबली 2 को पछाड़ चुकी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के हिसाब से 2.0 को भारत में 6600 से 6800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, जबकि बाहुबली 2 को करीब 6500 स्क्रीन्स ही मिली थी। रजनी की फिल्म को नॉर्थ इंडिया बेल्ट में 4000 से 4100 स्क्रीन्स मिलेंगी, वहीं 2.0 आंध्र और तेलंगाना में 1200 से 1250 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। फिल्म को तमिलनाडु में 600 से 625, केरल में 500 से 525 और कर्नाटक में 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किए जाने की खबर है। इसके अलावा 2.0 के एडवांस बुकिंग के जरिए 120 करोड़ रुपए कमाने की भी चर्चा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2.0 पहली तमिल फिल्म है जो सिनेमा घरों में पहले से ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। इसका बजट 600 करोड़ है। साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी की सबसे खास बात इसका VFX वर्क है। VFX में हॉलीवुड स्टैंडर्ड की क्वालिटी देखने को मिलती है। VFX का काम X-Men और मार्वल सीरीज की याद दिलाता है। इसे 2D और 3D में रिलीज किया जाएगा। 2.0 के VFX होश उड़ाने वाले हैं। फिल्म के VFX पर भारी भरकम अमाउंट भी खर्च किया गया है। सिनेमाघरों में ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होगी। इसे सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट दिया है। रजनी की 2.0 को हिंदी और तमिल में रिलीज किया जाएगा और 13 दूसरी भाषाओं में डब किया जाएगा। बता दें 2.0 रजनीकांत की तमिल फिल्म एंड्रियन या रोबोट का सीक्वल है। फिल्म का पहला पार्ट जबरदस्त हिट रहा था।